Edusoft Net, Microsoft Word, आज हम सीखेंगे Microsoft Word कैसे शुरू करते हैं। तो पहले हम Start बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक कर देंगे, हमें एक लिस्ट दिखाई देगी। उनमें से हमें क्लिक करना है All Programs के ऊपर। आप क्लिक करते हो उसी समय आपको एक लिस्ट दिखाई देगी। यह आइकॉन की लिस्ट है और यह फोल्डर की लिस्ट है। उसमें से हमें क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पे क्लिक करने के बाद हमें लिस्ट दिखाई देगी। उनमें से हम क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू हो रहा है। देखिए, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ चुका है। सबसे ऊपर आपको जो दिखाई देता है, इन्हें टाइटल बार कहते हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ जो होता है, इन्हें कस्टमाइज टूल बार कहते हैं। उनके बाद आपको यह जो दिखाई देगी, इन्हें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज कहते हैं। उन्हीं के साथ नीचे की तरफ आप आओगे तो आपको फाइल मेनू दिखाई देगा। फाइल मेनू में सेव, सेव एज जो हमारे रेगुलर कमांड है, वह हम यहां से एक्सेस कर सकते हैं। उनके बाद यहां पे दिया है, इन्हें कहते हैं टूलबार्स, होम टूलबार, इंसर्ट टूलबार, पेज लेआउट टूलबार, रेफरेंस टूलबार, मेलिंग टूलबार। यह टूलबार्स जो है हमारे काम अनुसार उनमें रखे हैं। जैसे कि अगर हमें रेगुलर वर्क करना है तो हम होम टूलबार में काम करते हैं। अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें ऐड करनी है, जैसे कि पिक्चर है, ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, तो हम जाएंगे इंसर्ट में। उनके बाद पेज लेआउट में कुछ काम करना है तो हम क्लिक करेंगे पेज लेआउट। अभी हम देखते हैं, यह जो ब्राउन कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, इन्हें डेस्कटॉप एरिया कहते हैं। यह लेफ्ट एंड राइट साथ ही में टॉप की तरफ भी होता है। उसी के साथ इन्हें रूलर कहते हैं, लेफ्ट रूलर, टॉप रूलर। आपको जो ब्राउन एरिया दिखाई देगा, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें डॉक्यूमेंट का हेडर स्पेस कहते हैं। मतलब हमारे कर्सर के ऊपर इतना सारा हमने हेडर स्पेस दे दिया है। उसी तरह से आपको यहां पे जो दिखाई देगा, ये जो है, इन्हें कहते हैं लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट होता क्या है और हेडर होता क्या है? हम हमारे डॉक्यूमेंट में ऊपर से काम शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे किताब में भी कुछ स्पेस ऊपर से और लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, उसे इंडेंट स्पेस कहते हैं या फाइलिंग स्पेस भी कह सकते हैं।